चलो। आज का मेरा विषय है थोक विक्रेता। थोक विक्रेता उत्पादक और फुटकर व्यापारी दोनों के बीच का मध्यस्थ है। थोक विक्रेता उत्पादकों से बहुत सारा माल खरीदकर उसको फुटकर विक्रेता तक पहुंचाता है। इनके बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। थोक विक्रेता को इसकी विशेषताओं के द्वारा समझा सकते हैं। सबसे फर्स्ट है मध्यस्थ। थोक विक्रेता ना तो वस्तुओं का निर्माण करता है और ना ही वो उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचाता है। वह केवल मध्यस्थ का कार्य करता है उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच। नंबर सेकंड है वित्त प्रबंध। थोक विक्रेता वित्त प्रबंध का कार्य करता है, अर्थात यह उत्पादकों को अग्रिम पेमेंट कर देता है और फुटकर व्यापारियों को उधार प्रोवाइड करता है। इस प्रकार यह वित्त में बहुत अधिक सहायता प्रोवाइड करता है। इसके बाद थर्ड है विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार। जैसे फुटकर व्यापारी है वह बहुत सारी वस्तुएं रखता है। अनाज के साथ साथ वह दलिया, गेहूं, जो भी अनाज का कारोबार करता है, किराना का सारा सामान रखता है। लेकिन जो थोक विक्रेता है वह केवल एक ही वस्तु, जैसे अनाज है, अनाज में जैसे गेहूं है, चावल है, केवल एक पर्टिकुलर वस्तु उसी का व्यापार करता है। नंबर फोर्थ है कम लाभ पर काम। थोक विक्रेता का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम होता है। वह निर्माता से बड़ी मात्रा में वस्तु खरीद लेता है और उसको फुटकर व्यापारी को बहुत कम लाभ पर प्रोवाइड करता है, जिससे वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता। इसके बाद है पांचवा नंबर मांग व पूर्ति में संतुलन। जैसे निर्माता है, पहले यह सीजनल वस्तु हो या कोई भी हो, निर्माता बहुत सारी बना देता है। अगर वह वस्तु बाजार में एकदम आ जाएगी, पूर्ति अधिक होने से, मांग के ना होने से वस्तु के दाम बहुत अधिक गिर जाएंगे, तो थोक विक्रेता उस वस्तु को अपने स्टोरेज में स्टोर कर लेता है। जब वह स्टोर कर लेता है, जब उसकी मांग होती है, तभी वह उस वस्तु को प्रोवाइड करवाता है, जिससे वह मांग और पूर्ति दोनों में संतुलन का कार्य करता है। नंबर सिक्स है श्रेणियां। थोक विक्रेता उत्पादक से जितने भी वस्तुएं ले आता है वह उसको ग्रेडेशन में डिवाइड कर देता है, ए, बी, सी और डी। इस प्रकार थोक विक्रेता निर्माता और फुटकर व्यापारी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे उनका कार्यभार कम हो जाता है। इसके बाद सेवन है जोखिम उठाना। अब मार्केट में बहुत अधिक रिस्क है। जरूरी नहीं कि उत्पादक से जो वस्तु खरीदता है वो पूरी बिक जाएगी, उत्पादक जो वस्तु बनाता है वो उसकी पूरी बिक जाएगी। थोक विक्रेता उत्पादक के जोखिम को कम करता है। वो पहले ही बहुत अधिक माल खरीद लेता है और वह उसे अग्रिम पेमेंट कर देता है, जिसे जोखिम थोक विक्रेता का ही रहता है। इसके बाद एट्थ है परिवहन। थोक विक्रेता फुटकर व्यापारी है, अगर वो निर्माता से माल खरीदता है तो उसे थोड़ा थोड़ा माल खरीदना पड़ेगा, जिससे परिवहन की लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी और परिवहन की लागत बढ़ने से वस्तु की लागत बढ़ जाएगी। लेकिन थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तु को परचेज कर लेता है, जिससे परिवहन एक बार में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम आती है और वस्तुओं की कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ पाती है। इसके बाद नाइन्थ है सूचनाएं पहुंचाना। थोक विक्रेता फुटकर व्यापारी और निर्माता दोनों को सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण। जैसे निर्माता को ये पता लगाना है कि उसको क्या फैशन है, कम्पिटिटिव कंडीशंस क्या है, दूसरी वस्तुओं का जो उसकी कम्पिटिटिव प्रोडक्शंस है कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है, उनका मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ये सारी सूचनाएं थोक विक्रेता ही पहुंचाता है, जिससे निर्माता अपनी वस्तु का दाम सही कर पाता है और फुटकर व्यापारी को पहुंचाता है कि क्या माल प्रोवाइड करवा सकता है, कितना प्रोवाइड कर सकता है। इस प्रकार में तो फुटकर व्यापारी और उत्पादक दोनों को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रोवाइड करवाता है। यही है थोक विक्रेता और उसकी विशेषताएं। आज का मेरा विषय है थोक विक्रेता के प्रकार। जैसे कि मैंने बताया था, थोक विक्रेता कौन होता है? जो उत्पादक और फुटकर व्यापारी दोनों के बीच के मध्यस्थ का कार्य करता है। ना तो वो माल का प्रोडक्शन करता है, ना ही वो निर्माता माल को उपभोक्ता तक पहुंचाता है, वो केवल बीच का मध्यस्थ का कार्य करता है। थोक विक्रेता कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से कार्य करते हैं, ये है नंबर। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट है क्षेत्र के आधार पर, सेकंड है वस्तु के आधार पर और थर्ड है कार्यों के आधार पर। सबसे पहले है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर हम इसके चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है स्थानीय थोक विक्रेता। स्थानीय थोक विक्रेता वो होते हैं जो केवल एक किसी नगर तक सीमित है, किसी सीमित क्षेत्र तक सीमित है, जैसे कि रायपुर है, राजनांदगांव है, ये जांजगीर चांपा है, इस तरह के जो क्षेत्र है वहां तक ही सीमित है, वह आगे किसी और क्षेत्र में कार्य नहीं करता। इसके बाद सेकंड है राज्य स्तरीय थोक विक्रेता, जो केवल एक राज्य तक सीमित है, मतलब छत्तीसगढ़ या MP, UP, दिल्ली, केवल इसी क्षेत्र के अंदर वो अपना माल बेचता है, वो है राज्य स्तरीय थोक विक्रेता।
इसके बाद थर्ड है राष्ट्रीय थोक विक्रेता, वह विक्रेता जो भारत में हर जगह, जैसे छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है या पटना है, सब जगह अपना माल बेचते हैं राष्ट्रीय तौर पर, वह राष्ट्रीय थोक विक्रेता कहलाता है। इसके बाद फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय थोक विक्रेता, वह विक्रेता जो भारत के बाहर भी, जैसे चीन है, जापान है, अपना माल बेचता है, वह अंतर्राष्ट्रीय थोक विक्रेता कहलाता है। इसके बाद फर्स्ट था क्षेत्र के आधार पर, सेकंड है वस्तु के आधार पर, हम थोक विक्रेता को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वस्तु के आधार पर हमारे थोक विक्रेता के प्रकार है तीन। नंबर फर्स्ट है सामान्य किस्म के थोक विक्रेता। सामान्य किस्म के थोक विक्रेता वो है जो सभी प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि कपड़े का कारोबार करने वाला है, वे नायलिन, टैलिन या हैंडलूम है, सूती है, ऊनी है, सब प्रकार के कपड़ों का विक्रय करता है, वह सामान्य किस्म के थोक विक्रेता कहलाता है। इसके बाद है सामान्य वस्तु के थोक विक्रेता। सामान्य वस्तु वो हो गई जैसे कोई विक्रेता है दो या दो से अधिक ऐसी वस्तुओं का कारोबार करता है जो आपस में असंबंधित है, जैसे कि बिजली है, फर्नीचर है, जो एक दूसरे से अनरिलेटेड है, उनको उसका माल बेचते हैं, वो सामान्य किस्म के थोक विक्रेता कहलाते हैं। इसके बाद थर्ड है विशिष्ट वस्तु के थोक विक्रेता। विशिष्ट वस्तु जो केवल एक पर्टिकुलर वस्तु का ही विक्रेता विक्रय करता है, जैसे कि हैंडलूम है, वह किसी अन्य माल को नहीं सेल करता, वह विशिष्ट वस्तु का थोक विक्रेता कहलाता है। इसके बाद हमारे दो प्रकार के बाद तीसरा प्रकार है कार्यों के आधार पर थोक विक्रेता को दो भागों में बांट सकते हैं। सेवा थोक विक्रेता, जो केवल जिसका काम केवल क्या है, सेवा प्रोवाइड करना, मतलब वो केवल स्टोरेज का कार्य करता है, माल को उत्पादक से लेकर फुटकर व्यापारी तक पहुंचाता है, इसके अलावा वह श्रेणियां या अन्य कोई कार्य नहीं करता, वो केवल सेवा का ही कार्य करता है। भारत में इस तरह के थोक विक्रेता की संख्या ज्यादा है जो निर्माता से माल लेते हैं और फुटकर व्यापारी को उधार में देते हैं। इसके बाद सेकंड है सीमित कार्य करने वाला थोक विक्रेता। सीमित कार्य का मतलब है वो केवल एक पर्टिकुलर कार्य ही करता है, जैसे आयात निर्यात वाला थोक विक्रेता, वो क्या करता है, ऑर्डर ले लेता है बाहर के देश से और निर्माता को वो ऑर्डर देता है, निर्माता उसी ऑर्डर के आधार पर अपना माल बनाता है और वो निर्माता से माल लेकर उसको बाहर पहुंचाता है, वही है सीमित कार्य वाला थोक विक्रेता। इस प्रकार हम थोक विक्रेता को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक हमने थोक विक्रेता के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन पढ़े कि वो क्या क्या कार्य करता है। आज का मेरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अधिकतर बार एग्जाम में आते हैं कि क्या थोक विक्रेता को हटा देना चाहिए, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले हटाए जाने के पक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्क, किसको हटा देना चाहिए। ये बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। जो थोक विक्रेता होते हैं ये वस्तुओं के मूल्य में बहुत अधिक प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, जिससे फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को नुकसान होता है। फुटकर व्यापारी का प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाता है और उपभोक्ता को वस्तु बहुत अधिक तेज रेट में मिलती है। इसके बाद सेकंड है विभागीय भंडारों का प्रसार। आजकल आपने देखा होगा मल्टीपल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या मॉल है, बहुत सारे ऐसे संगठन खुल गए हैं जिससे वो सीधा ही उत्पादकों से वस्तु ले सकते हैं और उत्पादकों से वस्तु लेकर उपभोक्ताओं को बहुत कम प्राइस पर दे सकते हैं, जिससे थोक विक्रेता को जरूरत बहुत कम हो गई है। थर्ड है ट्रेडमार्कों का प्रचलन एवं विज्ञापन बल। आजकल जो निर्माता है जो अपनी वस्तु प्रोडक्ट करता है उस पर अपना एक लेबल चिपका देता है, ट्रेडमार्क चिपका देता है या बहुत अधिक विज्ञापन करता है, जिससे उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में जानकारी रहती है, वो सीधा जो उत्पादक है उसके एड्रेस से वो वस्तु मंगवा सकता है ई कॉमर्स के जरिए, जिससे थोक विक्रेता की आवश्यकता बहुत कम हो गई है। फोर्थ है निर्माताओं द्वारा अपनी दुकानों की स्थापना। आजकल जो बड़े बड़े निर्माता हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या बहुत पतंजलि है, बहुत सारे ऐसे निर्माता हैं जो खुद अपनी दुकानें खोलने लगे हैं। अगर उत्पादक अपनी दुकानें खोलते हैं तो उपभोक्ता को बहुत सही रेट पर वस्तु मिलती है, जिससे उपभोक्ता है जो थोक विक्रेता है उसकी आवश्यकता को उसने कम कर दिया है। इसके बाद फिफ्थ है केवल लोकप्रिय वस्तुओं का ही विक्रय। जो उपभोक्ता है वो कुछ भी जोखिम नहीं उठाना चाहता, वो केवल उन्हीं वस्तुओं को विक्रय करना चाहता है जो बहुत अधिक पहले से लोकप्रिय है, जिसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है, वो रिस्क नहीं उठाना चाहता, जिससे जो वस्तुएं हैं निर्माता को या किसी को कोई भी वस्तु है वो स्वयं ही बेचनी पड़ती है। इसके बाद सिक्स्थ है निजी व्यापारिक चिन्हों के प्रयोग के दोष। कई बार जो थोक विक्रेता जो होता है वो खुद अपना लेबल चिपकाता है, खुद अपना चिन्ह लगाता है, जिससे उत्पादक
और उपभोक्ता, दोनों को ही नुकसान है। उत्पादक को नुकसान है क्योंकि उसकी ख्याति है वो कम हो जाती है, और दूसरा उपभोक्ता को इसलिए नुकसान है क्योंकि वितरण के जो डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम है वो उस पर मोनोपोली कर लेता है। मोनोपोली करने से जो सामान है वो केवल थोक विक्रेता ही पहुंचा सकता है और वस्तु के वो ज्यादा दाम लेता है, जिससे उपभोक्ता को नुकसान होता है। इसके बाद है 7, अत्यधिक लाभ कमाने की दूषित मनोवृत्ति। थोक विक्रेता का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को संतुष्ट करने से ज्यादा उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखकर उपभोक्ता से उसका अधिक से अधिक मूल्य लेना, जिसके कारण डिमांड की जाती है कि जो थोक विक्रेता है वो अनावश्यक है, उसको हटा देना चाहिए। इसके बाद 8th है जमाखोरी व चोर बाजारी को प्रोत्साहन। जो थोक विक्रेता क्या करता है, आजकल आपने देखा होगा जो वस्तुएं होती है जब उनके बहुत कम दाम होते हैं तब उसको स्टोर कर लेता है, स्टोर करके जो हमारे मार्केट है मार्केट में उसकी शॉर्टेज बना देता है, आर्टिफिशियल स्टोर शॉर्टेज। जो शॉर्टेज बना देता है तो वस्तु है जो उसका दाम बहुत अधिक बढ़ जाता है, बढ़ जाने के बाद वो उत्पाद उपभोक्ता को बहुत अधिक महंगी पड़ती है, जिससे वो जमाखोरी और चोर बाजारी दोनों को प्रोत्साहन देता है। स्टार्ट। अभी तक हमने हटाए जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए, अब है हटाए जाने के विपक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्क कि इनको हटाया ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अधिक वैल्यूएबल होते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है जिसको हम पॉइंट से शो कर सकते हैं। सबसे पहला है बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव बनाना। अब जो थोक विक्रेता है वो बड़ी मात्रा में ऑर्डर दे देते हैं, जिससे उत्पादक के लिए संभव हो जाता है कि वो अधिक बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सके। अगर फुटकर व्यापारी ऑर्डर देता है, फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑर्डर देगा, जिससे संभव नहीं है कि निर्माता लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सके। सेकेंड है विदेशी व्यापारियों से संपर्क स्थापित करना। अब विदेश में क्या मांग है, विदेशी आयात निर्यात में क्या वस्तु चाहते हैं, क्या फैशन है, इस चीज़ की जानकारी थोक विक्रेता जो है उत्पादक तक पहुंचा सकते हैं और वो उसे ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस तरह का माल बनाइए। इस तरह से थोक व्यापारी जो है विदेशी व्यापारियों से संपर्क स्थापित कर कर सुविधा प्रदान करता है इसके आयात और निर्यात की। थर्ड है आर्थिक सहायता देना। अब फुटकर व्यापारी है वो उधार में माल चाहता है, और जबकि उत्पादक है उसको वित्त की बड़ी दिक्कत होती है। अगर तो जो थोक व्यापारी है बड़ी मात्रा में अग्रिम पेमेंट कर देता है तो उत्पादक को सहायता हो जाती है और फुटकर व्यापारी को भी सहायता हो जाती है कि उसे उधार में माल मिल जाता है। इस प्रकार में दोनों ही उत्पादक और फुटकर व्यापारी दोनों को ही आर्थिक सहायता प्रोवाइड करता है। इसके बाद 4th है तैयार माल के संग्रह की कठिनाई से मुक्ति। अब जो निर्माता है वो अपना माल तैयार कर देता है, अब अगर थोक व्यापारी उसे ऑर्डर नहीं देगा, उससे माल नहीं उठाएगा, तो उसे संग्रह की भी दिक्कत होगी, उसे संग्रह करके रखना पड़ेगा, जिससे वो अपने जो प्रोडक्शन है उस पर उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और उसे वित्त की भी बहुत अधिक आवश्यकता होगी, जिस चीज को थोक व्यापारी दूर कर देता है। अब 5th है यातायात की सुविधा। जो फुटकर व्यापारी है और उत्पादक है वो बहुत अधिक दूर दूर होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वह आपस में संपर्क स्थापित करें। अब जो फुटकर जो थोक विक्रेता है वो उत्पादक से माल लेकर फुटकर व्यापारी तक पहुंचा देता है, जिससे दोनों की प्रॉब्लम हल हो जाती है। उत्पादक का माल बिक जाता है और थोक फुटकर व्यापारी को वो जितनी मात्रा में उसे चाहिए उतना ही माल मिल जाता है। 6th है मांग एवं पूर्ति में संतुलन। क्योंकि निर्माता बहुत अधिक माल बना देता है, अगर उसकी पूर्ति एकदम हो जाएगी तो वस्तु का मूल्य बहुत अधिक गिर जाएगा, इसलिए वो पहले जब माल तैयार हो जाता है तो अपना वो स्टोरेज करके रखता है। स्टोरेज करके रखने पर जब उसकी डिमांड होती है तभी वो उसको निकालता है, जिसे मांग और पूर्ति दोनों में संतुलन रहता है। कई वस्तु सीजनल होती है जो केवल सीजन में ही बनती है, और जबकि उसकी मांग पूरे साल भर रहती है। ऐसी वस्तुओं के सेलिंग में जो है मांग और पूर्ति में जो थोक विक्रेता है बहुत अधिक सहायता रखता है। इसके बाद 7th है विशिष्टीकरण का लाभ। जो थोक विक्रेता है वो एक ही वस्तु में डील करता है, एक वस्तु में डील करता है तो वो बहुत अधिक ना ऑर्डर निर्माता को दे देता है। निर्माता जो है एक वस्तु जो बहुत अधिक मात्रा में बनाता है तो उसके उत्पादन लागत भी कम आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आती है, बहुत सारी कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे उपभोक्ता के लिए उस वस्तु का मूल्य बहुत कम हो जाता है। स्टार्ट। मैंने थोक व्यापारी के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क प्रस्तुत किए। क्या थोक व्यापारी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इनको हटा देना चाहिए? अगर थोक व्यापारी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनका अस्तित्व आज भी क्यों बना हुआ है? अवश्य निर्माता है थोक फुटकर व्यापारी दोनों को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि इनका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। अब हम इसका निष्कर्ष पढ़ सकते हैं कि थोक व्यापारी को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। ये जरूर है कि थोक व्यापारी जो है अधिक मात्रा में है तो उनको कम जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन इनके अस्तित्व को पूर्ण रूप से मिटाया नहीं जा सकता। इसको हम निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं, जैसे कि 1st है निर्माता व फुटकर व्यापारी के मध्य दूरी। अगर निर्माता और फुटकर व्यापारी वो बहुत अधिक दूरी पर है, डिस्टेंस पर है,
तो उनके बीच यातायात के साधन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोक व्यापारी को बीच में जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन अगर निर्माता और फुटकर व्यापारी दोनों का संबंध इस तरह से है कि वो आपस में लिंक कर सकते हैं, तो थोक व्यापारी को हटाया जा सकता है। सेकेंड है उत्पाद महत्वपूर्ण। अगर उत्पाद की कीमत कुछ ज़्यादा ही है तो फुटकर व्यापारी के लिए संभव नहीं है कि वो इतना वित्त को खर्च करके उसको अपना संग्रह कर सके। लेकिन थोक व्यापारी जो है वो उसमें अपनी पूंजी डाल सकता है और फुटकर व्यापारी को अपनी सहायता प्रोवाइड कर सकता है। अगर उत्पाद जो है बहुत कम महत्वपूर्ण का, बहुत कीमत कम कीमत का है, तो फुटकर व्यापारी सीधे उसे निर्माता से भी खरीद सकता है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण है तो उसे थोक व्यापारी की सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद थर्ड है छोटे उत्पादक व फुटकर व्यापारी। जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं वो अपना माल जो है पहले थोक विक्रेता को ही बेचेंगे। थोक विक्रेता उनको बहुत अधिक सहायता प्रोवाइड करता है, और जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं उनको भी थोक विक्रेता की आवश्यकता पड़ती है कि वो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल देते। अगर बहुत अधिक बड़े व्यापारी जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है या आटा टायरन स्टील कंपनी है, ये लोग फुटकर व्यापारी को सीधा माल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे निर्माता के लिए पॉसिबल नहीं है कि फुटकर व्यापारी को थोड़ा थोड़ा माल प्रोवाइड करवाए। इसके बाद फोर्थ है साख सुविधाएं। अब जो छोटा निर्माता है अगर उसके पास बहुत अधिक साख है, उसके पास वित्त का पूरा प्रबंध है, तो वो अपना खुद भी दुकान खोल सकता है, फुटकर व्यापारी को ई कॉमर्स के जरिए माल पहुंचा सकते हैं और उधार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उत्पादक को अगर वित्त की बहुत अधिक आवश्यकता है, उसके पास वित्त उतना उपलब्ध नहीं है, तो उसे थोक व्यापारी की जरूरत पड़ेगी। उसे थोक व्यापारी का सहायता लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार ये समझ में आता है कि जहाँ पर हमें थोक व्यापारी की आवश्यकता है वहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर थोक व्यापारी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ उनकी आवश्यकता को कम किया जा सकता है।